आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज का आयुर्वेद समाधान कमर को पतला करने के लिए। जिनकी कमर बहुत मोटी है उनकी कमर बिल्कुल पतली हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको आहार और विहार और आपका व्यायाम कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ हम बताएंगे आपको आयुर्वेद की कुछ टेक्निक्स जिनको अपनाकर आप अपनी कमर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आहार की बात करेंगे। हफ्ते में कम से कम एक बार कार्बोहाइड्रेट से आप जरूर परहेज करें। हरी कड़वी सब्जियां खाएं, जैसे करेला, मेथी, पालक और भिंडी। वनस्पति घी और ट्रांस फैट आप बिल्कुल ना खाएं। सैचुरेटेड फैट वाले उत्पाद बिल्कुल ना खाएं। मिठाई, अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में करें। मैदा, चावल और चीनी का सीमित मात्रा में उपयोग करें। दिन भर में 3 बार पेट भरकर खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पानी तभी तक नहीं पीना चाहिए जब आपको प्यास लगी हो। हर तय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा करने से ओवर ईटिंग की आदत भी आपको कम हो जाएगी। आपको दोस्तों जीवन शैली में भी बदलाव करने पड़ेंगे। उसमें आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है, जो मोटापा और चर्बी को घटाने में मदद करता है। इसलिए दिन में कम से कम 1 कप ग्रीन टी जरूर पिएं। फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फल और सब्जियां आप अगर खाते रहेंगे तो इससे भी आपको मोटापा कम करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं पूरी नींद लेने की। चर्बी को कम करने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। कम या ज्यादा सोना दोनों ही वजन बढ़ने का अहम कारण होता है। कहा जाता है कि अगर आप 7 से 8 घंटे पूरी नींद लेकर सोते हैं तो पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। बात करते हैं नाश्ते की। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाश्ता करना भूल जाते हैं और सुबह नाश्ता ही नहीं करते, सीधा खाना खाते हैं। उनके लिए जितना जरूरी सांस लेना है ना दोस्तों, उतना ही जरूरी है नाश्ता करना। कुछ लोग सोचते हैं कि नाश्ता नहीं करने से वजन कम होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। उल्टा, नाश्ता ना करने से हमारी भूख बढ़ती है और हम ज्यादा खा लेते हैं, इससे वजन बढ़ने की समस्या पैदा हो जाती है। अब हम आपको आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है। एक तो आपको शक्करयुक्त और डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना है। स्टार्चयुक्त पदार्थ जैसे चावल, नूडल्स, पास्ता, मैदा, ब्रेड, ये आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तंबाकू, शराब और सिगरेट से परहेज करना है। तली हुई चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। व्यायाम, मेडिटेशन आप करिए। तनाव को बिल्कुल कम कर दीजिए। तनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोटापे की सबसे बड़ी वजह जो है वो तनाव होता है। चलिए अब विस्तार से हम घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मोटापा कम करने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला घरेलू उपाय है त्रिफला का चूर्ण। रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच त्रिफला का चूर्ण हल्के गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर इसमें शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करें। ऐसा नियमित रूप से करने पर मोटापा 1 महीने में कम होता है। डायबिटीज के मरीज त्रिफला के जल में बिना शहद मिलाए सेवन कर सकते हैं। अगला है गुनगुने गर्म पानी में शहद और नींबू का सेवन। प्रतिदिन सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर सेवन करें। आप शहद के साथ पानी में नींबू का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। ये आपको मोटापा कम करने में आपकी मदद करेगा। आपकी कमर जो बेली फैट होती है उसको भी घटाएगा। अब बात करते हैं उपवास की। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें। अगर उपवास नहीं रख सकते तो सप्ताह में 1 दिन सिर्फ तरल आहार आपको लेना है। बात करते हैं ग्रीन टी, लेमन टी पीने से कमर का मोटापा कम करने की स्थितियों के बारे में। ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी पीने की आदत बनाएं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो वजन को कम करने में मदद करता है। बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का पानी कमर की चर्बी कम करने में काफी फायदेमंद साबित हुआ है, ये रिसर्च भी कहती है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर ठंडा करके हर रोज सोने से पहले पिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी कमर कम होने लगी है और आपका फैट पिघलने लगा है। बात करते हैं पपीते की। पेट और कमर का फैट कम करने के लिए पपीते का सेवन करें। रोजाना पपीता खाने से कुछ ही दिनों में शरीर से जमा जो फैट है वो पिघलने लगेगा। बात करते हैं छाछ के सेवन की। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना छाछ का सेवन करें।
छाछ में भुना हुआ जीरा, काला नमक और अजवाइन मिलाकर आपको पीना है, आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं पुदीने की। एक चम्मच पुदीना रस को दो चम्मच शहद में मिलाकर रोज सुबह या शाम लेने से मोटापा कम होता है। ये छोटा सा आयुर्वेद समाधान है, इसे आप अपनी कमर को घटा सकते हैं, बेली फैट है उसे कम कर सकते हैं, मोटापे को पिघला सकते हैं। ये था आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए तरीके वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।